यस तो सबसे पहला है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ओके तो देखो अब बहुत ही बेसिक है ये तो। ओके सो यू रीड, जैसे हमें पता ही है क्या स्केलर मीन्स ओनली मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर मीन्स व्हाट? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके सो वही चीज है, हम अगर ये सब करने बैठे तो बहुत टाइम लग जाएगा। देखो अब वेक्टर जो हमने नहीं डिस्कस किया उसकी बात कर रहे हैं। ओके जैसे कि देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स है, जैसे मैंने टेम्परेचर का एग्जांपल दिया। ओके तो वो क्या है? स्केलर। ओके मास के भाई इसका इतना मास है 60 kg, तो भाई क्या वो 60 kg? 60 kg कौन सी डायरेक्शन में? 60 डायरेक्शन के साथ मास थोड़ी चेंज हो जाएगा। ओके सो वो स्केलर है। अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर हमने 9th में भी डिटेल में डिस्कस नहीं किया था, अब आ रहा है। अ वेक्टर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ अ मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन, दोनों होता है, एंड ऑबेज द ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन जो हम आगे जाके देखने वाले हैं, और इक्विवेलेंटली पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। क्या वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है कि एक क्वांटिटी जिसमें दोनों इंपॉर्टेंट है, क्या? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और उनके जो फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है उसके लिए दो मेथड हम सीखने वाले हैं, कौन सी? ट्राइंगल मेथड और से पैरेललोग्राम मेथड ऑफ एडिशन। एडिशन के लिए, वेक्टर के एडिशन के लिए मेथड है हम सीखेंगे अभी। डन। ओके चलो ये सब पढ़ो तो खत्म हुआ है। ओके देखो ये दस बोथ वी एंड वी बार। अब देखो दो तरीके से वेक्टर को डिफाइन करते हैं, एक ऐसे और एक ऐसा। सर बोलोगे सेम तो है, तो एक ऐसा है ओके, मतलब बोल्ड, और एक ऐसा सिंपल है ऊपर एरो वाला। तो हर बार ऐसे बोल्ड करने थोड़ी बैठेंगे, टाइम है अपने पास। ओके सो हम ऐसे डिनोट करेंगे दो तरीके से, लेकिन अगर कोई एक बार में पूछ ले वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं तो ऐसे डिनोट करते हैं। ओके देखो एक तो बोल्ड लेटर में उसके ऊपर एरो, अगर बोल्ड कर रहे हो तो एरो नहीं बताना है, और बोल्ड नहीं कर रहे हो तो एरो बताना है। रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी वेक्टर। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज ऑफन कॉल्ड इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू इंडिकेटेड बाय दिस। मतलब मैग्नीट्यूड सिर्फ शो करना हो तो हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, कैसे? वेक्टर और उसको मोड में दिखा देते हैं, या तो फिर सिंपली वी लिख देते हैं। ये क्या शो कर रहा है? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड। कैसे? वेक्टर लेकिन मोड में। ये भी होता है और ये भी होता है तुम्हारी तरफ। मतलब मैं सिर्फ ऐसा बोल दूं कि ए इज द एक्सेलरेशन। ओके तो ये ए क्या है? मैग्नीट्यूड है। ए क्या है? मैग्नीट्यूड। अगर एक्सेलरेशन का वेक्टर शो करना है, एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में, तो मुझे ऐसा एरो ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर नहीं कर रहा हूं तो इवेल्युएटर भी समझ जाएंगे कि तुम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो। तो अगर तुम डायरेक्शन की बात कर रहे हो तो एरो लगाना मत भूलना, नहीं तो चेक करने वाले भी क्या समझेंगे, ये तो मैग्नीट्यूड है, क्योंकि एरो बिना का तो मैग्नीट्यूड ही होता है। तो ये भी मैग्नीट्यूड है, एरो लगा के अगर मोड कर दिया वो भी मैग्नीट्यूड ही है। डायरेक्शन के लिए दिस मेथड, ऊपर एरो वाला। डन। ओके चलो। दस अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ बोल्ड फेस दिस 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 दिस। ओके ठीक है, तो इतना ही था क्या? वेक्टर, तो वेक्टर इतना तो हमने पढ़ा ही था, लेकिन नया क्या पढ़ा हमने कि ऐसे शो करते हैं वेक्टर को ऊपर एरो लगा के, और सिर्फ मैग्नीट्यूड शो करना हो तो एरो लगाया हुआ है, जो डायरेक्शन शो करता है उसको हमें क्या कर देंगे? मोड लगा देंगे, तो वो क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये भी मैग्नीट्यूड हो गया, और ये हो गई डायरेक्शन। इसमें सर मैग्नीट्यूड कहाँ है? इसमें मैग्नीट्यूड है ही नहीं, इसमें मैग्नीट्यूड है ही नहीं। ओके डन। अगर जैसे कि मैं इसको मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं 3 से, किसको? इसको मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं 3 से, तो ये हो जाएगा 3a। ओके तो 3 उसका मैग्नीट्यूड है, वो अभी हम करेंगे धीरे धीरे तो समझ में आएगा, लेकिन अभी इन शॉर्ट अभी हमने क्या समझा कि मैग्नीट्यूड को ऐसे शो करेंगे या तो ऐसे शो करेंगे, और सिर्फ वेक्टर शो करना है तो ऐसे शो करेंगे। सिंपल, ज्यादा कुछ इसमें प्रॉफिट साइंस नहीं। डन। ओके चलो।